नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों थंबनेल पर जैसा कि लिखा हुआ है कि आज हम लोग 24 मई 2018 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बट जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल मैं आपके लिए 23 मई का वीडियो लेकर के नहीं आ पाया था क्योंकि हम लोग 6 माह के करंट अफेयर्स की सीरीज भी चालू कर चुके हैं इस कारण से। तो आज हम लोग क्या करेंगे, 23 मई और 24 मई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 6 महीने के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। कल आपको पहला वीडियो मिल चुका है, कल देखिए पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है 6 माह के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। इसको मैं करीब 4 पार्ट में खत्म करने वाला हूँ। पार्ट 1 आपको मिल चुका है यहाँ पर, दिसंबर से मई तक के सारे बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में और सारे युद्धाभ्यास या फिर जितने भी डिफेंस और मिलिट्री से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं इसके बारे में आपको कल वीडियो मिल चुका है। सेकंड पार्ट भी दोस्तों आज रात तक मिल जाएगा और फिर थर्ड पार्ट भी परसों तक, इसे 3 से 4 दिन में आपको सीरीज मिल जाएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखें, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देखें और जो लोग देख चुके हैं इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम लोग दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2018 का यूरोपियन गोल्डन शू किस फुटबॉलर ने जीता है। गोल्डन शू दिया जाता है, एक पुरस्कार के फॉर्म में दिया जाता है फुटबॉलर्स को, ये किसने जीता है हमें बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, लियोनल मेसी ने जीता है। ये 5वीं बार जीत चुके हैं और लगातार दूसरी बार, 2017 में भी ये गोल्डन शू जीत चुके हैं, 18 में भी जीत चुके हैं, 15 में भी जीत चुके हैं और कुल मिलाकर ये 5वीं बार ये गोल्डन शू का पुरस्कार ले जाने वाले हैं। और लियोनेल मेसी के बारे में आप लोग जान लीजिए कि ये किस देश से खेलते हैं, ये खेलते हैं बार्सिलोना से। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसके बारे में हम सारे फैक्ट्स को जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। समुद्र के रास्ते से दुनिया का चक्कर लगाने वाली 6 महिला अफसर अपने स्वदेश वापस आ चुकी हैं, भारत वापस आ चुकी हैं अब अपने एक्सपीडिशन को पूरा करके, किस नौकायान में। सबसे पहले तो नौकायान का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये फैक्ट डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ये तारिणी नाम के नौकायान से वापस आई हैं और किन देशों की परिक्रमा करके लौट कर आई हैं ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, 5 देशों पर कुल मिलाकर इन्होंने स्टॉप लिया था। और भी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो इस अभियान का नाम क्या था, इस एक्सपीडिशन का नाम था नाविका सागर परिक्रमा, क्योंकि यहाँ पर सारी फीमेल हैं तो यहाँ पर नाविका होगा, नाविका सागर परिक्रमा। कुल मिलाकर 8 महीनों तक ये चली थी, 10 सितंबर को यहाँ पर शुरुआत की थी, 10 सितंबर पर यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया था हमारी डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने और इन्होंने ही गोवा में रिसीव भी किया है इन्हें। INSV तारिणी जो है इसने कुल मिलाकर 22,000 नॉटिकल मील्स को कवर किया है, 254 दिन की ये जर्नी थी और जो समय समुद्र पर बिताया गया है वो कुल मिलाकर 210 दिन का था। 5 जगह इन्होंने हॉल्ट लिया था, 5 कंट्रीज़ में। 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, फॉकलैंड आइलैंड है, साउथ अफ्रीका है और आखिर में मॉरिशस और फिर आ गई गोवा पर। और कुल मिलाकर सरकम नेविगेशन की जितने भी क्राइटेरिया होते हैं यहाँ पर अभियान में फुलफिल किए गए हैं। सारे लॉन्गिट्यूड्स को यहाँ पर कवर किया गया है, भूमध्य रेखा को 2 बार कवर किया गया है और यहाँ पर 3 जो केप्स हैं उनको भी कवर किया गया है, केप लिविन, केप हॉर्न और केप ऑफ गुड होप्स। यहाँ पर सारे क्राइटेरिया को पूरा किया गया है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है इस एक्सपीडिशन का सफलतापूर्वक पूरा होना। एक फैक्ट यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि जो ये 6 ऑफिसर्स का क्रू था इनकी हेड कौन थी, इस क्रू की हेड थी वर्तिका जोशी। यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, आप लोग ध्यान रखें कि क्रू की हेड थी वर्तिका जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री मोदी जी 21 मई 2018 को रूस के राष्ट्रपति से एक अनौपचारिक मुलाकात करने वाले हैं, ये मुलाकात कहाँ पर हुई ये बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, सोची में हुई थी, रशिया में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक एजेंसी ने अभी एक सर्वे किया है, उसमें स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता के क्राइटेरिया में भारत को 145वें स्थान पर रखा है। हमें बताना है कि उस एजेंसी का नाम क्या है जिसने ये सर्वे किया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, यहाँ पर द लैंसेट के सर्वे के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता के मामले में भारत 145वें स्थान पर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर्स में अवार्ड्स एंड ऑनर्स की कैटेगरी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी
बेहद इम्पॉर्टेंट ये है कि मैन बुकर इंटरनेशनल का प्राइज अनाउंस कर दिया गया है, हमें बताना है कि किसे मिला है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, ओल्गा टोकरसुक को मिला है ये पुरस्कार। इनकी जो नॉवेल है, यहाँ पर मैंने कवर पेज लगाया है, बिल्कुल सिंपल कवर पेज है। इस नॉवेल का नाम है फ्लाइट्स, बिल्कुल नीला कवर पेज है, इसमें इनका नाम लिखा हुआ है और इस नॉवेल का नाम है फ्लाइट्स। इसका जो भी नाम रहा होगा, अभी इसका ट्रांसलेशन जो किया गया है उसके अनुसार इसका नाम रखा गया है फ्लाइट्स। और मैन बुकर प्राइज और मैन बुकर इंटरनेशनल में आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, मैन बुकर का अभी आने वाला है, अभी नहीं आया है। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज में क्या होता है, ये किसी भी लैंग्वेज में लिखी गई किताब को मिलता है, और मैन बुकर का पुरस्कार एक्सक्लूसिवली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई किताबों में से चुना जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर 2018 में देश में पहली बार थर्ड जेंडर के लिए किस राज्य में एक ब्यूटी कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा, ये हमें बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, छत्तीसगढ़ में होगा ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट। कब होगा? जून में होगा। थर्ड जेंडर से रिलेटेड कभी कभी पूछ ली जाती हैं चीज़ें, इसको ध्यान रखें आप लोग। 2018 में सिडनी में एक थिंक टैंक है, लोवी इंस्टीट्यूट, इसने एशिया पावर इंडेक्स जारी किया है। इसकी रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, हमें बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर चौथा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। आगे देखते हैं, यहाँ पर अगला जो है हमारा निपाह वायरस के बारे में करंट अफेयर्स है। यहाँ पर हम सभी को पता है कि कहाँ पर आया है, बेसिक बातें अब तक तो सभी को पता लग चुकी होंगी इसके बारे में। हमें बताना है कि केरल राज्य की सरकार मारे गए लोगों के परिवारजनों को कितने रुपए का मुआवजा देने वाली है। यहाँ पर 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देगी केरल राज्य की सरकार, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। निपाह वायरस के बारे में अब तक तो सभी को पता लग चुका होगा, फिर भी हम इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं। इसने केरल को इफेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर 22 मई तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इसका प्राइमरी होस्ट कौन सा होता है, फ्रूट बैट होता है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले इसको 1998 में स्पॉट किया गया था, कहाँ पर? कामपुंग सुंगाई निपाह नाम की जगह पर, उसी के नाम पर ये निपाह वायरस का नाम यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहली बार इसकी पहचान भी वहीं पर हुई थी, उस समय उसका प्राइमरी होस्ट एक पिग था, यानी कि सुअर हुआ करता था। इसमें पिग के अलावा, फ्रूट बैट के अलावा घोड़ों से भी संक्रमण हो सकता है, इसको ध्यान में रखें। और ऐसी चांसेस बताए जा रहे हैं, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल सकता है, इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस ली जा रही हैं। और अभी तक इसका कोई भी एक स्पेसिफिक वैक्सीनेशन नहीं डेवलप किया जा रहा है, इस वजह से ज़्यादा भय का माहौल है इसके बारे में। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ब्लू प्रिंट प्रायोरिटी डिसीज़ में इसको शामिल किया गया है। कुल मिलाकर आप मान सकते हैं काफ़ी एक भयानक बीमारी है, और अभी तक इसका कोई भी वैक्सीनेशन नहीं खोजा जा चुका है, इस वजह से इसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स जो लिए जाते हैं उसी से बच सकते हैं केवल। डेथ रेट इसमें 70% के करीब है, यानी कि अगर किसी को ये वायरस अफेक्ट करता है तो 70% चांसेस हैं कि उसकी डेथ हो जाएगी। अगला यहाँ पर है कि हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। जनरली आपको सेक्रेटरी के नहीं पूछे जाते हैं कि कौन बना है कौन नहीं बना है, आपसे पूछे जाते हैं कि मंत्रालय के हेड जो हैं वो कौन है। जैसे अभी एयरफोर्स के एग्जाम में पूछ लिया गया था ये सेम क्वेश्चन कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के इस समय हेड कौन है, तो जब ये पूछा गया था उस समय तक स्मृति ईरानी थी, चूँकि अभी कैबिनेट फेरबदल किया गया है, मैंने आपको बताया था करंट अफेयर्स में कि यहाँ पर रीशफल किया गया है, स्मृति ईरानी से उनका मंत्रालय ले लिया गया है। और किसे दिया गया है आपको मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर राजवर्धन राठौड़ को दिया जा चुका है, जो कि अभी एक मंत्रालय और संभाल रहे हैं, कौन सा? युवा मामलों का मंत्रालय और खेल मंत्रालय को संभाल रहे हैं, उनको एडिशनल प्रभार दिया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का, तो इसको ध्यान रखें आप लोग। स्मृति ईरानी अब नहीं है, अब हैं राजवर्धन सिंह राठौड़। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर कि किस शहर में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी पहली इंटीग्रेटेड SME लोन फैक्ट्री को लॉन्च किया है। ये अपने आप में एक यूनिक इनका एक लोन फैक्ट्री इन लोगों ने बनाया है, बैंक ऑफ बड़ौदा वालों ने, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गुरुग्राम में। गुरुग्राम में एक वन स्टॉप सेंटर टाइप का बना रहे हैं, जिसमें कुल मिलाकर जितना भी काम होगा वो लोन से संबंधित होगा। SME स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस को यहाँ पर लोन दिया जाएगा, और यहाँ पर एक त्वरित प्रक्रिया करने के लिए एक बड़ी सी फैक्ट्री कह सकते हैं वर्कशॉप बनाई गई है केवल लोन देने के लिए SMEs को।
आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स की कैटेगरी में मैंने इसको शामिल किया हुआ है, बल्कि 6 माह के करंट अफेयर्स में आखिरी अवार्ड के रूप में प्रेजेंट किया हुआ मिलेगा आपको। यहाँ पर हमें बताना है कि पश्चिम बंगाल का बंग भूषण पुरस्कार इस साल किसे दिया जाना है। ऑप्शन नंबर ए आशा भोसले को दिया जाना है ये अवार्ड, और ये पश्चिम बंगाल का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है इसको। ये 2011 से दे रही है तृणमूल कांग्रेस की सरकार, और इस बार दिया जाएगा आशा भोसले को। आशा भोसले जी जो हैं ये 2018 में और भी दो अवार्ड्स जीत चुकी हैं, जिनको मैंने कवर किया हुआ है 6 माह वाले करंट अफेयर्स के पार्ट वन में भी, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर। आशा भोसले जी ने दो अवार्ड और जीते हैं इसके अलावा। 28 जनवरी को उन्हें यश चोपड़ा का मेमोरियल अवार्ड मिला था, और अप्रैल में 30 तारीख को करीब इनको मिला था पीसी चंद्र का अवार्ड। तो कुल मिलाकर 3 अवार्ड हो गए, दो ये हो गए, और अभी जो मिलेगा बंग भूषण का पुरस्कार जो देगी पश्चिम बंगाल की सरकार। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन यहीं पर खत्म होता है। ये रहे आज के हमारे क्वेश्चंस ऑफ द डे के क्वेश्चंस, इन सभी के आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। हर एक बंदा जो इस वीडियो को एंड तक देखने वाला है उसका आंसर्स मुझे कमेंट में चाहिए। हम लोग दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को, और हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को टैप करें, और पाएं हमारे सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री।